कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और अभी है सुबह का टाइम और मैं सब्जी लाई थी। जब मैं लाई थी ये हरी वाली सांगरी, जिसे सुखा के वो कैर सांगरी, कैर कुंटे की जो सब्जी बनती है, तो इस हरी सांगरी से को मैंने तोड़ के थोड़ी तो फ्रिज में रख दी है, क्योंकि मैं इसकी हरी सांगरी की सब्जी बनाऊंगी। जब भी बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। और जो थोड़ी बहुत बच गई है, क्योंकि मैंने थोड़ी ज़्यादा ही ले ली थी, तो इसे मैं धूप में सुखा दूंगी। तो सूखने के बाद ये हमारी वो जो काली काली सांगरी आती है ना, जिससे कैर कुंटे की सब्जी बनती है, वो तैयार हो जाएगी। और मैं लेकर के आई थी गिर गाय का घी, क्योंकि हमारे जो घर का घी है वो सिर्फ घर में जो काम में आता है उतना ही बनता है, उससे ज़्यादा नहीं बनता। तो फिर भोग बनाना पड़ेगा, माता जी का हलवा बनाएंगे नवमी को, तो वो काम आ जाएगा घी। और पहली बार यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ करके देख भी लेंगे कैसा है, अच्छा है या नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी ज़रूरत पड़े तो लाएँ या नहीं। और बस अब सुबह का टाइम है, अभी करूँगी झाड़ू पोछे और बाकी जो जो होगा आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो ब्लॉग आप देख रहे हो उस वो ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और मेरे ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ब्लॉग को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। और अभी अभी हमने पता किया है कि सांगरी को पहले उबाल के छलनी में डाल के उसको ठंडे पानी से धो के फिर उसको छाया में सुखाया जाता है। तो मैं इसको उबालने के लिए रखूँगी और जब उबल जाएगी तो फिर इसे छलनी में डालूँगी और ठंडे पानी से धो करके छाया में सुखाऊँगी। तो देखते हैं, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मैंने कभी ऐसा किया नहीं है। सांगरी उबल रही है, तब तक हम साथ के साथ कर लेते हैं थोड़ी बहुत डस्टिंग। गर्मी आ गई है तो गर्मियों की वजह से डस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है, तो रोज़ डस्टिंग करनी पड़ती है। और डस्टिंग करने के बाद मैं निकालूंगी पूरे घर में झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर लगाऊंगी पोछा। और पोछा भी आजकल तो मतलब ये समझ लो कि डेली, वैसे तो मैं डेली ही पोछा लगाती हूँ, लेकिन थोड़े टाइम में ही नहीं आपको पैरों में ना डस्ट नज़र आने लगती है। आप लोग बताइएगा, क्या गर्मी आते ही आपका भी साफ़ सफाई का काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है? मेरा तो बढ़ ही गया है सच में। और बस अब पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने के बाद, वैसे इस टाइल्स में पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, झटपट पोछा लग जाता है। और इसके बाद मैं जाऊँगी फिर से किचन में, क्योंकि आज करने हैं बहुत सारे काम जिसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। आज कुछ कुछ मैंने नए काम जोड़ लिए हैं आज के दिन में, तो देखते हैं आज के दिन कैसा निकलता है और जो जो काम मैंने सोचे हैं वो काम मैं कर पाती हूँ या कुछ काम मैं आगे कल के लिए छोड़ देती हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और यहाँ पर हमारी जो सांगरियाँ हैं वो उबल गई है। जब ये पूरी तरीके से उबल गई थी तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था और ढक्कन लगा दिया था। अभी हम इन्हें छलनी में निकाल लेंगे और ठंडे पानी से धो लेंगे। और मुझे लग गई है भूख, तो मैं काटने वाली हूँ मेरे लिए एक एप्पल। और आज के दिन में मुझे बहुत सारे काम करने हैं। क्या बोला, एक तो मुझे घी बनाना है, मैंने रात को मलाई जमा करके रखी थी तो उसका घी बनाऊंगी। तो रात को क्या, मैंने मलाई जमा दी थी, सुबह उठते ही उसको फ्रिज में रख दिया था। और अभी मक्खन बनाने से एक घंटे पहले मैं इसको फ्रिज से बाहर निकाल दूंगी, ताकि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो फिर इसको बिलो कर इसका मक्खन निकाल दूंगी। और मैं लाई थी ये भीगे हुए कैर, इसका मैं आज कैर और कैरी का अचार बनाऊंगी। ये मैं उत्तम फ्रेश से लाई थी, वो लोग छाछ में भिगो करके सब रखते हैं तैयार, तो आप बस लाओ दो तीन पानी से धो लो और इसका अचार बना लो। तो अभी इनको भी मैंने दो पानी से धो लिया है, एक बार फिर से पानी में भिगो दिया है। अब मैं क्या करूँगी, और अभी हम जो कैर लाए थे उसको हम छलनी में निकाल लेंगे। और इसे पहले इसका पानी पूरा निकाल देंगे और सूखे कपड़े पे इसको फैला देंगे, ताकि इसके ऊपर का जितना भी पानी है वो सूख जाए, क्योंकि अगर इसके ऊपर जो भी पानी रहा ये गीले रहे तो हमारा जो अचार है बहुत जल्दी ख़राब होगा।
तो हम इसे कुछ घंटे के लिए ऐसे ही सुखाएंगे, उसके बाद हम इसका अचार डालेंगे। और साथ के साथ मैं बना रही हूँ सैगार के लिए साबुदाना खिचड़ी। और साबुदाना खिचड़ी बनाने के बाद मैं घी बनाऊंगी और साथ में आज अचार बनाऊंगी और आज बनाऊंगी कोकोनट लड्डू। तो धीरे धीरे काम करेंगे, आज काम ज़्यादा है लेकिन सारे करेंगे और आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। साबुदाना खिचड़ी की रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ तो आज मैं नहीं बताऊँगी, आज तो फटाफट बनाऊँगी खाली। यहाँ पर डाइनिंग टेबल पे हम बिछाएंगे पहले न्यूज़पेपर और उसके बाद ये सफ़ेद कपड़े बिछाएंगे और एक पे हम कैर को सुखाएंगे और दूसरे पे हम सांगरी को सुखा देंगे। ये कितने दिन में सूख जाएगी? कुछ नहीं। और कैर और सांगरी को मैंने सुखा दिया है। अब कैर थोड़ा 1-1.5 घंटा यहाँ कपड़े पे सूखेंगे, उसके बाद हम इसका अचार डालेंगे। और यहाँ पर मैंने कैरी को भी अच्छे से धो के काट लिया है, तो कैरी को भी हम थोड़ा सा सूखने के लिए रख देंगे ताकि इसके ऊपर भी जितना पानी है वो सूख जाए, उसके बाद हम करेंगे आगे का काम। और यहाँ पर दाना मेथी को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पे। दाना मेथी और सौंफ को दोनों को ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इसमें थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर हो तो ख़त्म हो जाए। और गैस को हमने बंद कर दिया है, अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ी सी सौंफ। कढ़ाई गर्म है तो इसी के साथ सौंफ भी भुन जाएगी। और थोड़ी सी कलौंजी। अब हम इन मसालों को कर लेंगे एकदम ठंडा। और बर्तनों का लग गया है ढेर, तो पहले फटाफट बर्तन साफ करते हैं। साथ में ही हम अचार के लिए तेल गरम करने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर तेल गरम करने के लिए रख दिया है, अभी साथ ही मैं बना दूंगी घी। और तेल गरम हो गया है, अभी हम इसमें डालेंगे हींग। और मैं बता दूं, जैसे कुछ लोग अचार डालते हैं ना तो पहले दिन वो हल्दी और नमक लगा के उसको रख देते हैं, नेक्स्ट डे उसका पानी निकाल के फिर उसमें मसाले मिलाते हैं और फिर उसमें तेल मिलाते हैं। लेकिन जो मैं अचार बना रही हूँ उसमें उसी दिन मसाले भी मिला दूंगी सारे, नमक मिर्ची हल्दी और ये क्या बोलते हैं इसमें जो सूखे मसाले हैं वो डाल दूंगी, तेल भी डाल दूंगी, सब मिला करके पहले दिन ही रख दूंगी। और मैं घी बनाऊंगी, मक्खन निकाल करके घी गर्म होने के लिए रखेंगे। यहाँ हींग डाल दी है, तेल गर्म हो गया है। और मैंने सोचा था कि मैं आज वो लड्डू बनाऊंगी कोकोनट लड्डू, लेकिन मुझे लगता नहीं मुझे इतना टाइम मिला है मिलेगा, क्योंकि अभी अभी डिसाइड हुआ है कि हम लोग जाएंगे हमारी कुलदेवी के आशापुरा माता के, तो अभी पतिदेव ऑफिस गए हैं, वो ऑफिस जाकर के कॉल करेंगे कि हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अगर गए तो कोकोनट लड्डू आज नहीं बनाऊंगी, फिर कभी मैं किसी ब्लॉग में शेयर कर दूंगी, और नहीं गए तो फिर आज ही बनाऊंगी, क्योंकि आज इतना काम है तो एक साथ सारे काम एक साथ हो गए आज। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा जैसा होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब यह है शाम का वक्त, मैंने काम खत्म कर लिया है, तो चलो बाकी बातें बाद में करेंगे कैमरे के सामने आकर के, पहले एक काम कर लेते हैं। मैंने जो कैर और कैरी धो करके सुखाई है वो अच्छे से सूख गई है,
इनके मतलब ये जो बाहर का जो पानी था वो सूख गया है। अभी हम इसमें मिलाएंगे मसाले, जिसके लिए सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी पाउडर। और फिर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अचार में मसाले आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक, मैं ज़्यादा अचार नहीं बना रही क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा अचार खाना किसी को पसंद नहीं है। बहुत ही कम 10-15 दिन में, 1 महीने में किसी को अचार खाना याद आता है, वरना कोई अचार खाता ही नहीं है। और हमने जो सौंफ, दाना मेथी और कलौंजी को ड्राई रोस्ट किया था उसको डाल देंगे। और जो मैंने तेल गरम किया था थोड़ा सा पहले वो डालेंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। और जैसे मैंने तेल गरम करते वक्त हींग डाल दी थी, कुछ लोग अचार जब मसाले मिलाते हैं उस टाइम हींग डालते हैं, तो आपकी इच्छा है आप तेल में हींग डालें या फिर इस वक्त इसमें हींग डालें। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें पूरा तेल नहीं डालेंगे, अभी हम ढक करके इसे 1-2 दिन के लिए छोड़ देंगे। और दिन में 2-3 बार इस तरीके से इस ऊपर नीचे कर देंगे मसाले को, उसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे। अब हम इसे ढक करके रख देते हैं। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ कोकोनट लड्डू, क्योंकि पहले हमारा डिसाइड हुआ था कि पतिदेव ऑफिस जा करके हमें कॉल करेंगे और बताएंगे कि हम कुलदेवी के जा सकते हैं या नहीं, पर उनके ऑफिस में कोई काम आ गया और हमारा जाना हो गया कैंसिल। तो उसके बाद मैंने काम ख़त्म किया और थोड़ी देर रेस्ट किया, सोने की कोशिश की, नींद आई नहीं, तो मैंने सोचा चलो लड्डू ही बना लिया जाए, क्योंकि बेड पे लेटे लेटे मोबाइल चलाने से अच्छा है कि कुछ काम ही कर लें। तो बस मैं अभी नारियल लड्डू बनाऊंगी, जिसके लिए मैं ये कोकोनट पाउडर लाई थी और इतना सा मेरे पहले से पड़ा था तो पहले ही यूज़ करूँगी। तो मैं जितना भी मेजरमेंट लूँगी सब इसी कटोरी के नाप से लूँगी, जैसे 2 कटोरी कोकोनट पाउडर और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम चीनी, और इसी 1 कटोरी के नाप से थोड़ा सा कम मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर भी मेरे पास पड़ा है नेस्ले का, तो वो यूज़ करेंगे। और बाकी जो जो यूज़ करेंगे सब आपको बताएंगे। तो पहले कोकोनट पाउडर को इस बॉक्स में निकाल लेते हैं। और मैंने इस कटोरी में बिल्कुल ज़रा सा, कम से कम आप समझ लो 2 छोटे चम्मच होते हैं, उतना पानी लिया है। इस पानी को मैं गर्म करूँगी और इसमें थोड़ी सी केसर डालूंगी। और इतने से पानी में केसर क्यों डालूंगी वो मैं आपको आगे बताऊंगी इसका क्या करने वाली हूँ। तो इस पानी को गुनगुना करके इसे रख देंगे साइड में और फिर लड्डू बनाना शुरू करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़रा सा पानी है और उसमें केसर डाल के मैंने रख दिया है। तो अभी कढ़ाई में सबसे पहले हम डालेंगे देसी घी और घी गरम होगा तो हम डालेंगे 2 कटोरी कोकोनट पाउडर। और इसे मीडियम फ्लेम पे हम भूनेंगे। आप ध्यान रखिएगा फ्लेम को या तो लो रखिएगा या फिर मीडियम रखिएगा, फ्लेम को हाई बिल्कुल मत कीजिएगा। हमें इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है। और जैसे जैसे ये नारियल का बुरादा, ये कोकोनट पाउडर भुनेगा, वैसे वैसे इसके अंदर जो ऑयल है वो रिलीज होगा और इसी से आएगी हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू। तो आप समझ जाइएगा कि हमारा जो ये कोकोनट पाउडर है ये अच्छे से भुन चुका है और इसमें ज़्यादा घी नहीं लगता, बहुत ही कम घी में ये बन जाते हैं। और आप इसी से लड्डू भी बना सकते हैं और बर्फी भी बना सकते हैं। और जैसे मैंने 1 कटोरी के नाप से 2 कटोरी ये लिया है कोकोनट पाउडर, तो 1 कटोरी मैं लूंगी दूध
और एक कटोरी से थोड़ा सा कम लूंगी मिल्क पाउडर और एक कटोरी से थोड़ा सा कम ही लूंगी मैं चीनी। अगर आप लोग मीठा ज्यादा खाते हैं तो चीनी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, और आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं क्योंकि एकदम प्योर है और बनने में ज्यादा समय नहीं लगता, झटपट बन जाता है, ये नहीं कि टाइम ज्यादा टाइम लेता हो, बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कोकोनट पाउडर भुन चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे दूध। और इसी के साथ डाल देंगे मिल्क पाउडर, फ्लेम को ध्यान रखिएगा, लो ही रखिएगा। छींके मार रही है सामने। इस चम्मच से मिलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो स्टील का चम्मच ले लेते हैं। तो अभी हम इनको लगातार लो फ्लेम पे चलाते रहेंगे जब तक कि ये दूध सूख ना जाए और ये जो मिक्सचर है इकट्ठा होने ना लग जाए। तो अभी हमारा जो मिक्सचर है वो इकट्ठा होने लग गया है, अब हम इसमें डालेंगे चीनी और फ्लेम को हम अभी भी लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। अभी चीनी भी पानी छोड़ेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये मिक्सचर है ये इकट्ठा होने लग गया है। अगर आप नॉनस्टिक में बनाओगे तो और अच्छे से इकट्ठा हो जाएगा, स्टील में तो क्या थोड़ा चिपकता है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, वरना नॉनस्टिक में बनाओगे तो बहुत जल्दी इजीली लड्डू बन जाएंगे। तो बस अभी फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं, इतना ठंडा कि हम जब हाथ से लड्डू बनाएं तो हमारे हाथ ना जलें। ज़्यादा ठंडा मत करिएगा, ज़्यादा ठंडा होगा तो ये लड्डू बनेंगे नहीं, तो गुनगुना हो उतना ठंडा कर लेंगे, हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो अभी हमारा जो मिक्सचर है वो गुनगुना हो गया है, अभी हम हाथों के लगाएंगे थोड़ा सा घी क्योंकि ये थोड़ा हाथों की चिपकता है। तो थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और जिस साइड का हमें, जिस साइड नहीं होता यार, जिस साइज का लड्डू चाहिए लड्डू बनाएंगे और मैंने लिया है थोड़ा सा कोकोनट पाउडर तो इसको चारों तरफ लपेट देंगे। और आप देख सकते हैं हमारा कोकोनट लड्डू, अभी क्या मैं हलवाई नहीं हुई तो एकदम राउंड राउंड लड्डू मुझसे बन नहीं रहा है, लेकिन हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो लड्डू हमने सारे बना लिए हैं और लाइट जा चुकी है, और हमने जो ये केसर वाला पानी बनाया था अब हम दो दो बूंद सभी लड्डू पे डालेंगे, इसको थोड़ा सा टेम्पटिंग बनाने के लिए। आप चाहे तो यूं ना करके ये केसर वाला पानी आप लड्डू बनाते वक्त बीच में भी डाल सकते थे, तो लड्डू हमारे केसरिया केसरिया बन जाते। और अभी लाइट वापस आ चुकी है और हम थोड़ा सा और सुंदर दिखाने के लिए हम इस पे लगाएंगे थोड़े थोड़े पिस्ता कतरन, और हमारे कोकोनट लड्डू तैयार। आप लोग जरूर बनाइएगा और बना करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये खाने में बहुत टेस्टी बने हैं, मैंने भगवान जी को भोग लगाकर अपने खुद के भोग लगा लिया है, और इतने ही सॉफ्ट हैं, टेस्टी हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बस अब मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। आज के दिन में बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो गई है क्योंकि जब मैंने वो अचार का मसाला मिलाया था, घी बनाया था, उसके बाद मैंने घर के सारा काम ख़त्म किया और मतलब रेडी होकर के बैठ गए, क्योंकि पतिदेव ने बोला था मैं 1:30 बजे के करीब तुम्हें फ़ोन करूँगा, तुम लोग गाड़ी लेके मेरे ऑफिस तक आ जाना, वहाँ से हम लोग चलेंगे। मैं तैयार, सानू तैयार, एकदम रेडी, बस फ़ोन आए तो हम लोग निकले। फिर फ़ोन आया कि नहीं नहीं जाएंगे, मेरे ऑफिस में थोड़ा काम आ गया है तो हम लोग और कभी चलेंगे। अभी ये जो सिचुएशन थी ना, अभी कुछ साल पहले होती ना तो मैं बहुत गुस्सा करती, यार क्या है, तैयार करके बिठा दिया मैंने, मेरे कपड़े धोने भी कैंसिल कर दिए, कपड़े भी मैं नेक्स्ट दिन अगले दिन धोऊंगी, इतने कपड़े और के चाहिए वो।
लेकिन अब मैं यहाँ इस टाइम जाके ना इतनी मैच्योरिटी आ गई कि हम लोग समझ गए कि नहीं, हाँ भाई सिचुएशन आती है जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर ड्रेस चेंज की और थोड़ी देर रेस्ट किया, नींद तो चलो आई नहीं, तो फिर बस नींद नहीं आई और तो उसका नतीजा हुआ ये, हमने लड्डू बना लिए। और हो सकता है माता जी महाराज का भी आशीर्वाद नहीं है, लेकिन जब भी होगा हम लोग जरूर जाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाऊं, तो प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं, मेरी रेसिपी पसंद आती है, कुछ भी पसंद आता है, तो मेरे ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में।